हमारे दीप भाई हैं। दीप भाई, यहाँ पे गांधी जी की प्रतिमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गांधी जी का प्रतिमा ये बनाते हैं, स्क्रेप से बनाते हैं। इनसे भी हम बात करेंगे कि क्या कुछ है, इनको आइडिया कहाँ से है, और आखिर ये गोपालगंज में ऐसे गांधी जी की प्रतिमा जो है ये कैसे इंस्पायर हो गए और कैसे ये बना रहे हैं। आप देख सकते हैं इनकी कलाकारी, इनकी कलाकारी को अगर हम देखते हैं तो हूबहू गांधी जी की, यहाँ पे इनका सर है और सर का अभी बनाया हुआ है। तो दीप भाई, आप थोड़ा बताइए कि आपने इंस्पिरेशन कहाँ से लिया और कैसे आपको आइडिया है कि गांधी जी की प्रतिमा जो है बनाने। इंस्पिरेशन की देखिए अगर बात करें तो इंस्पिरेशन पहला बात तो एक रुचि रहा है मेरा अपना आर्ट फील्ड में, और शुरू से ही कुछ करने का एक रहता, अंदर से इच्छा रहता है कि कुछ करें कुछ करें। और आर्ट ऐसा चीज है जब तो आप उसमें करने लगते हैं तो एक समझिए कि वो समुंदर जैसा आप डूबते ही चले जाते हैं। तो ये आर्टवर्क को इसके पहले भी बहुत सारा आर्टवर्क मैंने किया हुआ है, जो वेस्ट मटेरियल है या पेंटिंग्स है या स्कल्पचर्स है आप अगर देखेंगे। लेकिन अगर बात इसकी करें तो इसका इंस्पिरेशन हमें तब मिला जब एक हम लोग का जो अभी जो माहौल चल रहा है कि स्वच्छ भारत, हमारे नीतीश सर जो भी हैं वो भी बहुत ध्यान दिए हुए हैं हमारे बिहार पे कि स्वच्छता की ओर, हमारा जो बिहार है और गोपालगंज जिले में, मतलब ये हर जगह अभी चलन है कि स्वच्छता और इसको सब चीज से करना है और अच्छे से, मतलब कि हमारा जो शहर है मीरगंज गोपालगंज या पूरा बिहार या बात इंडिया की करें तो कैसे हम इसको क्लीन सिटी बनाए या क्लीन कंट्री बनाए। तो अगर हम इसकी बात करें वेस्ट मटेरियल से मैं इसको कर रहा हूँ, तो पूरा वेस्ट मटेरियल जितना भी निकल गया उससे आप इसको बना रहे हैं। और एक स्लोगन भी था गांधी जी का कि ये था कि क्या था, बहुत अच्छा वो दिए हुए थे कि ध्यान नहीं आ रहा अभी उनका, बहुत अच्छा स्लोगन था। तो मैंने उस पे काम किया हुआ था कि मेरे पास जो वेस्ट मटेरियल था, मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ अगर मेरे पास अगर वेस्ट मटेरियल है उसको बर्बाद न करके कहीं कचरा में न फेंके, मैं उसको किसी आर्टवर्क में और आप लोगों के सामने दिखा सकूं। तो हर साल क्या होता था कि हमारे जो वर्कशॉप के जितने भी कबार है वो हम बेच दिया करते थे, लेकिन इस बार क्या किए हैं कि दो साल से मैंने अपना कबार अभी स्टॉक में रखा कुछ बड़ा करने के लिए, अब वो निखर के आ रहा है। और बापू का ही एक कहना था कि स्वच्छ भारत, ठीक है स्वच्छ भारत इनका एक था। तो ये जब बन के तैयार होगा, अभी आप इनके जो सर है उस पे आप लगे हुए हैं, उस पे काम कर रहे हैं, तो ये जब बन के तैयार होगा कितना हाइट होगा इसका? अभी तो सर के हिसाब से अगर देखे तो इसका हाइट पूरा 60 फीट तक जाएगा, 60 फीट तक जाएगा अगर पूरा हाइट अगर इसको बनाते हैं तो। लेकिन अगर हमारा तो मतलब पूरा इच्छा है कि हम इसको और ले जाएं ऊपर तक, बनाए पूरा बॉडी बनाए और इसको बिहार का सबसे बड़ा स्टैचू निर्माण करें वेस्ट मटेरियल से। लेकिन अगर हमारी जो सरकारें हैं अगर वो हमारी सपोर्ट करेंगे तो हम इसको वहां तक ले जाएंगे, उस लेवल पे ले जाएंगे। अभी तक सरकार की तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिला है? अभी तक तो कुछ मिला है नहीं, सरकार की तरफ से अभी तो कुछ मिला नहीं है, बस एक शाबाशी और वाहवाही ही अभी तक मिलता रहा है। लेकिन अब फाइनेंशियली सपोर्ट देखे तो अभी तक तो नहीं मिला है कि आदमी आर्टिस्ट कुछ कर सके उसमें और लगन से। जैसे ये स्टैचू तैयार हो रहा है तो ये तो मैं अपने बस अपने खुशी के लिए और एक अपना आर्टवर्क तैयार कर रहा हूँ, अगर इसमें सपोर्ट हो जाए सरकार का तो मैं और जूद स्तर पे इसको तैयार